जोमैटो में ज्वाइन होने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको लगेगा आपका ओरिजिनल आधार कार्ड, फिर लगेगा ओरिजिनल पैन कार्ड, ओरिजिनल लाइसेंस, फिर आपको लगेगा गाड़ी का आरसी बुक, फिर लगेगा आपको एक बैंक अकाउंट। ये सब आपको लेके बैठना है एक जगह पे, जोमैटो लिंक ओपन करना है, उससे आपको सब वेरीफाई करना है। उसके बाद ट्रेनिंग आएगी, आपके फोटो सब डॉक्यूमेंट्स ये सबमिट किया जाएगी, फिर आपको सेल्फी देना है। ट्रेनिंग होने के अपनी आईडी शुरू हो जाती है। और जोमैटो ज्वाइनिंग के प्रोसेस को कुछ 1500 रुपये लेते हैं, वो भी क्यों लेते हैं, जोमैटो बैग और टी शर्ट का पैसा लेता है। अगर समझो आपने ज्वाइनिंग अभी किया और एक दो महीने का आपने जोमैटो छोड़ा, तो आपको जोमैटो बैग और जोमैटो टी शर्ट ऑफिस में सबमिट करना है। कुछ रिफंडेबल चार्जेस रहेगा, वो आपको रिफंड आ जाता है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो गाइस ये वीडियो ये है कि मैंने एक यूट्यूब चैनल पे पोस्ट डाला था कि अगर आपके कुछ डाउट्स रहेंगे तो जोमैटो रिलेटेड तो कमेंट करना, तो काफी बंदे लोगों ने कमेंट किए। तो ये वीडियो उन लोग के हेल्प होने वाले जो जोमैटो में न्यू बंदे लोग है, जो ओल्ड बंदे लोग है, जो जोमैटो में आने चाहते हैं, जिनको काम करना है जोमैटो में आके, तो उनके लिए ये कहाँ पे तो थोड़ा बहुत हेल्प होगा वीडियो। तो मैंने सोचा कि चलो एक पोस्ट डाल देते, अगर किसी के डाउट्स रहेंगे तो कमेंट कर देना। तो काफी बंदे लोगों ने कमेंट्स किए, तो मैंने वो कमेंट को पिक कर, मैंने बोला था कि आप लोग कमेंट करना, मैं कमेंट का वीडियो बनाऊंगा। तो सबसे पहला कमेंट है एस के यूट्यूबर, उन्होंने मेरे को बोला है 24 वर्क चैलेंज। तो उन्होंने मेरे को बोला 24 जोमैटो चैलेंज करो, एक वीडियो बनाओ। तो ठीक है भाई, एक बार पक्का करेंगे, ठीक है। दूसरा वीडियो, दूसरा कमेंट आ गया है शैलेश सागर का, उन्होंने मराठी में बोला है कि अगर मैं 6 से लेके 4 बजे से लेके 6 बजे तक गिग्स बुक करता हूँ, ठीक है, उसके बाद 6 बजे के 7 बजे तक ब्रेक लेता हूँ, फिर 7 बजे के बाद लॉगिन करता हूँ, तो मुझे इंसेंटिव मिलेगा क्या? तो भाई डिपेंड करता है कि आपके पास इंसेंटिव फैसिलिटी रहेगा गिग्स का, तो आपको कंफर्म मिल जाएगा। एक स्लॉट ऐसा कुछ पॉलिसी है कि आप एक स्लॉट एक ब्रेक ले सकते हो। जैसे कि मेरा एक दोस्त है, वो 12 बजे से लेकर 4 बजे तक काम करते हैं, 4 से 6 बंद रखते हैं, 6 बजे से लेकर रात को 10-11 बजे तक काम करते हैं, तो आप लोग भी कर सकते हो, ठीक है। दूसरा है प्रसाद सर का कमेंट है, प्लीज डू यू चैलेंज 24 आवर्स ड्यूटी। तो ये प्रसाद सर ने भी वही मेरे को बोला है कि 24 घंटा चैलेंज करो जोमैटो को, तो भाई पक्का करेंगे, प्रसाद सर काम करेंगे। बाद में फिर एक और बंदे का कमेंट बंद करके है, उनका कमेंट है पार्ट टाइम करके दिन में 2 बार लॉग इन करके जॉब कर सकते है या फुल टाइम लॉग इन करके जॉब करना सही होगा, बताना जरूर भाई। तो मैं आपको बोलता हूँ, अगर आप फुल टाइम करते हो तो आपकी अर्निंग अच्छी होगी, पार्ट टाइम करोगे फिर भी अच्छी अर्निंग होगी, डिपेंड करता है उस टाइम ऑर्डर फ्लो कैसे रहता है। कभी कभी भाई क्या होता है कि फुल टाइम काम करते उस दिन पे ऑर्डर नहीं रहते, पार्ट टाइम काम करते वो टाइम पे कोई अर्निंग रहती है। अगर आप लोग आप सोच रहे हो 2 टाइम काम करेंगे तो दोनों टाइम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, फुल टाइम भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। दूसरा कमेंट है भाई मोटिवेशन ज्ञान का, भाई इन्होंने कमेंट इतना बड़ा किया ना बाप रे, उसमें उनके ना 8 डाउट्स है। तो इसको मेरे को लगता है कि ये आप लोग के लिए अच्छे है, मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को सब पता है। तो अगर आपको जोमैटो में काम करना है तो देखो भाई, इन्होंने काफी सारे मतलब इनके जो डाउट्स है ना, उन्होंने इतना बड़ा कमेंट किया, मैं कमेंट भी लगा देगा तो देखना। इन्होंने पहले पूछा है गिग्स आईडी में इंसेंटिव मेरा 2 वीक से नहीं दे रहा है लगातार, इसका लॉजिक क्या हो सकता है, ठीक है। पहली बात मैं आपको बताता हूँ, आपको 2 वीक का इंसेंटिव क्यों नहीं आएगा, आपका कुछ तो प्रॉब्लम हो रहेगा गिग्स बुकिंग का। आप एक तो आपने स्लॉट कैंसिल किया रहेगा, दूसरी बात आपका स्लॉट टाइमिंग कुछ मिस्टेक हो रहेगा, या फिर वो स्लॉट पे आपने लॉगिंग नहीं किया रहेगा, या फिर स्लॉट मिस हो गया रहेगा, ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो रहेगा, ठीक है। अगर ये सब होने के बाद भी आपको इंसेंटिव नहीं आएगा तो आपको क्या करना है, जो आपको इंसेंटिव नहीं है ना उसमें जाके टिकट रेस करना है, ठीक है। टिकट रेस करने है, टिकट रेस करने के बाद आपको रिप्लाई आएगा, अगर आपकी नियर बाई टीएल रहेगा तो उनको बोल देना मेरे को गिग्स का इंसेंटिव नहीं आएगा, तो फिर टीएल आपका क्या करेगा, टिकट रेस करेगा, फिर आपका नेक्स्ट पे आउट में आपका वो जो इंसेंटिव वो ऐड होके आ जाएगा, ठीक है। दूसरा उनका एक डाउट है, 5-स्टार कस्टमर से ज्यादा कैसे ले भाई इन्होंने भी अच्छा पूछा है, ठीक है। मतलब कोई भी बंदा काम कर रहा है जोमैटो, उसको 5-स्टार रेटिंग तो लेना पड़ता ही पहली बात तो, ठीक है। तो इसका मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, आपको क्या करना है, कितना भी आपको लेट हो ऑर्डर को, कस्टमर से रूडली बात नहीं करना है, कस्टमर को हाँ सर आ रहा हूँ, हाँ सर आपको लोकेशन के जरिए अच्छे से बात करना है आपको, ठीक है, हाँ मैडम हाँ सर ऐसा बात करना है, तो रूडली बात करके आपको रेटिंग नहीं देंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, ऑर्डर लेना है रेस्टोरेंट से, कस्टमर को आपको बराबर डिलीवर करना है, ठीक है। आपको कस्टमर का जो पार्सल है ना भाई, बिल्कुल भी डैमेज नहीं करना है, पहली बार बिल्कुल भी डैमेज नहीं करना है। अगर कस्टमर ने आपको 5वें माले तक चल के बुलाया तो चल के जाने का भाई, ठीक है भाई। अगर आपको जोमैटो अगर डीलरी कोई भी कैटेगरी डीलरी में अगर काम करना है ना, तो आपको सब ये झेलने पड़ेगा। आप लोग बोलेगा पागल है क्या, मैं क्यों जाऊँ, ये क्यों भाई, ये नहीं चलता है। अगर आपको पैसा कमाना है तो ये सब आपको झेलने पड़ेगा, ठीक है। तो अगर कस्टमर बोला ना भाई 5वें माले पे जाओ, उनको खाली इतना बोला सर
प्लीज डिलीवरी रेटिंग 5 स्टार देना। हम लोग को ना सर काफी ज्यादा ऑर्डर किए थे और आपके एक रेटिंग से सर हम लोग को ना मतलब रैंकिंग बढ़ जाता है। तो इसे उनको बोल देने का, अभी डिपेंड हर एक का अलग अलग रहता है बोलने का। अगर मेरे को किसी दिन मैसेज करेंगे इंस्टा पे तो मैं अच्छा और बता दूंगा, ठीक है। फिर तीसरा है 5 स्टार में 10 रुपए पाने का क्राइटेरिया क्या है, किस आईडी वालों को ये मिलता है। भाई ने कमेंट तो किया अच्छा, लेकिन थोड़ा हिंदी में उन्होंने जो लिखा है ना थोड़ा पढ़ने को नहीं आ रहा है। तो मैं आपको बताता हूँ, इन्होंने मेरे को पूछा है कि 10-10 रुपए कस्टमर रेटिंग 5 स्टार मिलता है उसमें 10-10 रुपए मिलता है, तो ये कौन से कैटेगरी को मिलता है। तो आपको मैं बताऊँ तो ये ना नए बंदे को नहीं है, जो ओल्ड आईडी है टच पॉइंट आईडी उनको एक खाली है, वो भी फैसिलिटी भी बंद होने वाले धीरे धीरे, तो ये आपको नहीं मिलेगा। गिग्स वाले को तो है ही नहीं, बस आपको खाली कस्टमर रेटिंग में आपको पैसे ही मिलेगा। जो ओल्ड बंदे लोग हैं जो 5-6 साल पहले काम कर रहे हैं उन लोग को ये फैसिलिटी अवेलेबल है, नए बंदे लोग को नहीं है ना। तो आप लोग बोलेंगे भाई ये इसको राइटर को 10 रुपए कस्टमर रेटिंग मिल रहा है हम लोग को भी मिलेगा, नहीं भाई अभी फिलहाल जोमेटो में गिग्स है। और ये भी बोल रहा हूँ मैं आपको, गिग्स में पैसा बहुत अच्छा होता है, अगर आप दिन में 10 से 12 घंटे दोगे ना तो 1000 से 1500 रुपए आप गिग्स में भी कमा सकते हो, बस डिपेंड करता है आपकी सिटी पे, आपके यहाँ पे ऑर्डर फ्लो है कि नहीं, ठीक है। फिर उनका है फोर्थ क्वेश्चन उनका, 100 रुपीज दे के ऑन बोर्डिंग होने के बाद अगर बैक टी शर्ट ना खरीदे तो ऑर्डर आने का चांस क्या कम हो सकता है क्या। नहीं भाई ऐसा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ऑनबोर्डिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका प्रॉपर ट्रेनिंग हो गया, आपका आईडी ओपन हो गया, आपको बैक टी शर्ट मिल गया, अगर एक आपके एरिया में ऑर्डर फ्लो अच्छा रहेगा तो आपको ऑर्डर गिरेगा। और मैं आपको पहले बता दूं, जो नए बंदे लोग रहते हैं ना भाई जोमेटो में उनको सबसे ज्यादा ऑर्डर मिलता है, 1 वीक हो 2 वीक हो 3 वीक हो एक महीना तो कंटिन्यू लोग ऑर्डर रहता है, क्योंकि कंपनी ना जोमेटो कंपनी क्या करती है नए नए बंदे लोग को पहले फटाफट ऑर्डर डाल देती है, तो ये बेनिफिट से नए बंदे लोग को, ठीक है। उनका फिफ्थ क्वेश्चन है कि अगर किसी दिन काम पे ना जाए तो नेक्स्ट दिन ऑर्डर कम मिलते हैं क्या। नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं होता है, आप पूरे दिन काम करो या पूरा वीक काम करो या फिर पूरे महीने काम करो आपको भी प्रॉब्लम ही नहीं आने वाला है, आपको मतलब ऑर्डर गिरेगा बराबर से। आपको लॉगिन हिस्ट्री चेक करना, आपको 10 से 12 घंटे रोज काम करने हैं, कोई दिक्कत नहीं आती आपको, आपको सबको लेवल ऑर्डर गिरते हैं, ऐसा कुछ नहीं है मैंने कल काम किया मेरे को काम आज मैंने काम किया कल मैंने काम नहीं किया तो ऑर्डर मिलेगा क्या, नहीं ऐसा भाई कुछ नहीं होता है, ऑर्डर फ्लो सेम ही रहता है, डिपेंड करता है आपके एरिया में ऑर्डर फ्लो है कि नहीं, ठीक है। तो ये था आपका डाउट्स। फिर उन्होंने पूछा है सेवन क्वेश्चन है उन्होंने पूछा है कि मेडल कब इंक्रीज होगा, मेडल कब इंक्रीज होगा न्यू गिग्स आईडी का। अब तो मैं क्राइटेरिया कुछ दिखाता नहीं न्यू आईडी में, तो ये मेरे को पूछ रहे हैं कि न्यू आईडी में मेडल्स होते हैं जैसे पहले आते हैं ब्लू पार्टनर, फिर आते हैं ब्रॉन्ज पार्टनर, फिर आते हैं सिल्वर पार्टनर, फिर आते हैं डायमंड पार्टनर, वो आपके परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है आप कैसे काम करते हो। तो न्यू आईडी पे भी आ जाते हैं 1 वीक काम करने के बाद या फिर दो तीन दिन काम करने के बाद तो आपको डायमंड पार्टनर सिल्वर पार्टनर वो सब आ जाएगा, ठीक है, उसका कोई टेंशन नहीं, सबको आता है वो, ठीक है। उसके बाद 8वां क्वेश्चन है उनका, तो गाइस उन्होंने ही पूछा है कि उनका 8वां क्वेश्चन है, ठीक है। तो उन्होंने पूछा है न्यू आईडी वालों को कौन कौन टॉपिक मोस्टली ध्यान रखना है फॉर बेटर अर्निंग एंड मेडल एंड नो पेनल्टी। तो गाइस ये सबसे ज्यादा मतलब आपके लिए हेल्पफुल है, जो नए बंदे लोग हैं उनके लिए तो कब से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उन्होंने पहले पूछा है कि न्यू बंदे लोग को क्या क्या सबसे ज्यादा ध्यान रखने पड़ेगा जिनसे पेनल्टी ना बचे, ज्यादा ऑर्डर कैसे हो, ज्यादा अर्निंग कैसे हो। सबसे पहले बात करते हैं अर्निंग का, अगर आपको ज्यादा अर्निंग करनी है जोमेटो में तो आपको क्या करना है, डिनर पिक में काम करना है, जैसे कंपनी मैसेज डालती है जोमेटो कंपनी कि जो आपका डिनर टाइमिंग है 12 से लेकर 3 बजे दोपहर का, ठीक है, फिर शाम को 7 बजे से लेकर 11 बजे तक, ये कंपनी का डिनर टाइमिंग रहता है, मतलब मेन टाइमिंग रहता है। उसमें अगर आपको अगर ये टाइम पे आप लॉग इन करते हो तो आपको सबसे ज्यादा ऑर्डर गिर सकते हैं, सबसे ज्यादा अर्निंग हो सकती है, अगर आप फुल टाइम करते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो दूसरी बात उन्होंने पूछी कि सबसे ज्यादा पेनल्टी से कैसे बचे, मतलब पेनल्टी से हम कैसे बच सकते हैं। सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ कि आपको कोई भी कैंसिलेशन डिनाइल नहीं करनी है जिससे आपको इंसेंटिव नहीं आएगा, ठीक है। दूसरी बात, आपको जैसे रेस्टोरेंट से पार्सल मिलता है वैसे सेम एज इट इज जाके कस्टमर को डिलीवर करना है। बाय चांस समझो आपके पास हाथ से अगर डीलर डैमेज हो जाता है तो आपको कैंसिलेशन लग सकते हैं या फिर फूड नॉट डिलीवर लग सकती है, कुछ भी जो डिपेंड करते हैं सपोर्ट के ऊपर आपके ऊपर क्या सिचुएशन हो चुकी है या फिर ऑर्डर डैमेज हो गया या फिर आपने कैंसिल किया है। तो मैं बोलता हूँ एक भी ऑर्डर कैंसिल मत करो, जैसा रेस्टोरेंट से ऑर्डर मिलता है वैसे जाके सेम कस्टमर को एज इट इज डिलीवर करो, किसी दूसरे कस्टमर को जाके ना डिलीवर करो, भाई प्रॉब्लम होती है फटाफट ऑर्डर मारने के चक्कर में आप लोग किसी दूसरे कस्टमर को भी दे देते हैं, तो उससे बचने के लिए भी ये आइडिया है
आराम से ध्यान से काम करो, ठीक है। कस्टमर को एज इट इज जाके ऑर्डर दे दो जैसे है वैसे, और कस्टमर से अच्छे से बात करो, रूडली बात मत करो कि ताकि कस्टमर बोले मेरे को ऑर्डर नहीं मिला, ये ना मिला वो, तो ठीक है। फिर उन्होंने बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग कैसे होती है, वो भी मैंने बताया है। फिर उन्होंने बताया कि मोस्टली क्या ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहले बोल तो आपको जोमेटो बैग और जोमेटो टी शर्ट डेली कैरी करना है, डेली आपको लेके घूमना है। आप बोलोगे अरे मैं मेरे एरिया में काम कर रहा हूँ मेरे को नहीं जमेगा, तो भाई वो आपका प्रॉब्लम है। सेल्फी के टाइम आपको फिर पेनल्टी लगेगी, फिर आपको ऑर्डर डैमेज होगा, फिर पेनल्टी लगेगी। अगर समझ आपके एरिया में टी एल आया रहेगा ऑडिट के लिए, अगर आपका बैग टी शर्ट नहीं रहेगा तो पेनल्टी लग सकती है। तो आपको ये सब बात को ध्यान रखना है। मोस्ट ऑफ ऑल आपको अगर जोमेटो में डिलीवरी काम करना है तो आपको ये सबको फिर अवॉइड ही करने पड़ेगा भाई। कोई मेरे को देखेगा, कोई मेरे को कुछ बोलेगा। अगर आपको पैसा कमाना है तो फिर आपको ये सब प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी भाई। आपको डेली मैं बोल रहा हूँ जोमेटो बैग और जोमेटो टी शर्ट कैरी करना है। इसे दो बेनिफिट्स है भाई। एक पहली बात है आपके ऑर्डर डैमेज नहीं होगी, दूसरी बात अगर आपकी गाड़ी किधर खराब होता है रोड पे बीच में, तो जोमेटो बंदा है ना देखता है दूसरा और आपको मदद करने के लिए आता है। अगर आपके पास जोमेटो बैग टी शर्ट नहीं रहेगा तो वो बोलेगा पब्लिक है, पब्लिक भी मदद नहीं करती। अपने राइडर क्या सोचते हैं, अरे अपना राइडर है जोमेटो का राइडर, उसके पास शायद बैग में ऑर्डर रहेगा तो चलो उसको जाके पूछते कुछ दिक्कत है क्या, प्रॉब्लम है क्या, तो फिर मैं जाके डिलीवर करता हूँ, ऐसा वो बोलता है। तो वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भाई ने काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे थे। ये वीडियो को अभी यहाँ पे एंड करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो में क्या चला क्या बोला कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। जो नए बंदे लगे उनको ज़्यादा हेल्प होगा, जो जोमेटो में आने चाहते हैं उनको भी ज़्यादा हेल्प होगा। जो ओल्ड बंदे लगे वो उन लोग बोलेंगे अरे भाई ये सब हम लोग को तो पता है। तो भाई अगर आप लोग को ये सब पता है ना, तो आपके आजू बाजू में जो नए बंदे लोग हैं ना जोमेटो में काम करें उन लोग को हेल्प करो। क्योंकि क्या बताएगा भाई, जोमेटो में काफ़ी सारे ऐसे बंदे लोग हैं, अगर आप जोमेटो में काम कर रहे हो उनसे अगर हेल्प पूछने गए ये क्या वो क्या, तो उन लोग पहले पूछते देखो रेफर किसने की है। मेरे साथ हुआ है भाई, स्टार्टिंग फेज में मेरे साथ ऐसा प्रॉब्लम हुआ था कि भाई तेरे को किसने रेफर किया है, तेरे दोस्त ने कहा तो उसको फोन कर, ये कर वो कर। इसके लिए मैंने जोमेटो ये ऐप मतलब जोमेटो चैनल ओपन किया कि जितना हो सके मैं बंदे लोग का हेल्प करूँगा। भाई मेरे से अगर कम से कम 10-15 बंदे लोग का भी अच्छा हो गया तो ठीक है ना भाई, तो हेल्प करते रहो। तो बस इतना ही था ये वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस। नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।